सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोवा व्लॉग्स। सो बहुत जन के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने जब होल कराया तो उसकी साउंड प्रॉपरली आपने सुना ही नहीं है एक भी बार, तो अभी आपको मैं साउंड भी सुनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बेसिकली होने वाला है कि मैं अपने गाड़ी का साउंड भी सुनाऊंगा, और दूसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा आया है मेरे को और बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि भाई आपने होल कराया उसके बाद इसकी माइलेज क्या मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है, और तीसरी चीज़ प्रॉब्लम के बारे में, तो प्रॉब्लम के बारे में मैं क्लियर आउट कर दूं कि मैंने सर्विस सेंटर में, जो सर्विस सेंटर में बंदे काम करते हैं उनसे मैंने पूछ के ये होल कराया था कि भाई ये होल कराने के बाद मेरा इंश्योरेंस क्लेम होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने बोला हाँ भाई होगा, ना कोई इंजन में इफेक्ट आता है, ना किसी पूरी गाड़ी में कोई इफेक्ट नहीं आता है, खाली माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है। वो भी आज मैं आपको माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा ये गाड़ी का कि 1 लीटर माइलेज टेस्ट में ये गाड़ी कितना माइलेज दे रही है आफ्टर ड्रिलिंग होल। तो पहले तो आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। तो ये देखो, ये साउंड आ रही है दूर से, ठीक है। अभी आपको मैं प्रॉपरली सुनाऊंगा जो कि रिकॉर्ड होएगा साउंड फ़ोन में मेरे। लाना भाई ये इधर रखो फ़ोन, साइलेंसर के उधर। तो देखो अभी जो शूट करूंगा मैं यहाँ से शूट करूंगा, और जो इसके गाड़ी की प्योर साउंड रहेगी वो मेरे फ़ोन से शूट होगी, ठीक है। तो ये देखो, तो ऐसी कुछ साउंड निकल के आती है। तो अभी देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई देखो, आप सबको हैप्पी गुड़ी पाड़वा। तो आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, 2 अप्रैल है। तो आज बहुत से जन अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं आज के दिन में, क्योंकि आज का दिन बहुत से लोग शुभ मानते हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। भाई पेट्रोल टेस्ट के लिए हमको पहले गाड़ियों से, मेरी गाड़ी में से देखो परफेक्टली मैंने 2 लीटर पेट्रोल रखा है, पहले बंद कर लेते हैं, 2 लीटर पेट्रोल रखा है। तो उससे पहले बॉटल में हम लोग पहले पेट्रोल निकालेंगे, उसके बाद आपको माइलेज टेस्ट दिखाएंगे। देखो गाइस, हमारे पास 2 बॉटल है, तो ये परफेक्टली 1 लीटर है, और ये मेरे को मालूम नहीं कितना, 700 ml या फिर उतना ही कुछ रहेगा। तो इस पर हम लोग नहीं करेंगे, ये तो परफेक्टली 1 लीटर है, तो इस पर हम लोग टेस्ट करेंगे कि कितना चलती है अपनी गाड़ी। तो देखो गाइस, ये वाला पूरा 1 लीटर भर दिया। बाप रे कितना पेट्रोल है भाई, तो तीसरा बॉटल भी डालना पड़ेगा, ज़्यादा ही पेट्रोल है, मैंने ज़्यादा ही भर दिया लगता है। अरे भाई खत्म ही नहीं हो रहा बे। तीसरी बोतल भरने आ गई है, अभी चौथी बोतल तो लाए भी नहीं है। वाला भाई बहुत बड़ा थैंक यू आपको, हम दोनों नमूने को तो निकालने आता नहीं है पेट्रोल। तो चलो मिलते हैं। तो हाईवे तो नज़दीक में है, पर इसका पेट्रोल अब तक खत्म हुआ नहीं है, और मैं कंटिन्यूसली पहले गियर पे ही चला रहा हूँ ताकि फटाफट से पेट्रोल खत्म हो जाए। सो भाई फाइनली 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 हमारे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अभी देखो, ये देखो स्टार्टर मार रहा हूँ बंद हो जा रही है, ये देखो, देखा, ये देखो देखो। अभी मैं गाड़ी को और एक बार कर लेता हूँ लास्ट, देखता हूँ चालू होगी नहीं होगी। देखा, तो अभी मैं गाड़ी को ज़्यादा इरीटेट करूँगा नहीं, क्योंकि ये है भाई FI वाला इंजन, फ्यूल पंप मुड़ गया तो भाई बड़े फटके लग जाएंगे। ये तो मैं वीडियो के लिए ऐसा कर रहा हूँ, पर रिकमेंडेड है कि कोई और ये सब मत करना। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए, वीडियो के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसा करता हूँ नहीं, तो आप भी मत करना, क्योंकि ये FI वाला इंजन है, आपका फ्यूल पंप मुड़ जाएगा। मैं दिखाता हूँ मेरे बैग में कितने बॉटल हो गए, खाली बॉटल ही बॉटल हो गए। ये देखो, देख सकते हो, ये देखो, 1, 2, 3, 4। तो देखो ये 1 बॉटल है परफेक्टली 1 लीटर का, भाई गोप्रो का डब्बा डाल दो अंदर। सो देखो भाई, ये 1 लीटर का बॉटल है, अभी ये हम लोग इसमें डालेंगे परफेक्टली, पूरा गाड़ी नील हो गई है, और ट्रिप भी ज़ीरो कर देंगे, जिसके वजह से आपको परफेक्ट सब कुछ दिखे कि भाई कितना रेंज आया 1 लीटर पेट्रोल में अपनी ड्यूक का।
और भाई बहुत जन मेरे एनएस वाले वीडियो में बोल रहे थे कि भाई आपने बॉटल फेंक दी। अरे भाई मैंने फेंकी नहीं थी, यही पीछे बैठा था, इसको मैंने पास किया था। पर भाई मैं तो थक गया लोगों के कमेंट पे रिप्लाई देते देते कि भाई मैंने वो चीज़ फेंकी नहीं है, पीछे मेरे दोस्त को पास की है। तो बस यही चीज़ थी और वो वीडियो मेरी वायरल गई थी, इसलिए बहुत से लोग ने मेरे को कमेंट में बोला था कि भाई ऐसा कचरा मत फैलाओ, ये मत करो। अरे भाई मेरे को भी मालूम है मैं क्यों कचरा फैलाऊंगा, मैंने पीछे पास किया था मेरे दोस्त को। जो 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 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ध्यान से देखा था ना, जिन्होंने मेरा वो व्लॉग ध्यान से देखा था उनको पता है कि मैंने पास किया था। बाकी जो खाली ऊपर ऊपर से देख रहे थे उनको तो यही लगेगा ना कि मैंने फेंक दी। तो अरे ट्रिप तो ज़ीरो करना भूल ही गए भाई। ट्रिप वन सेट पे दबाते हैं, ये देखो ट्रिप वन हो गया है ज़ीरो। तभी करते हैं अपना माइलेज टेस्ट और देखो गाड़ी एक ही बार में चालू। अभी अपन निकालेंगे इसका माइलेज कि कितना माइलेज देती है। और अभी मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यार से चलाऊंगा क्योंकि अपने को निकालने का है माइलेज। और ये पूरा वीडियो हम लोग हाईवे पे ही कवर करेंगे, ऐसे लोकल में नीचे नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा होने वाला है हाईवे पे। और मैं चलाऊंगा भी एकदम टॉप गियर में और स्पीड रखूंगा मिनिमम, जिससे कि अपने को माइलेज अच्छी मिले। और माइलेज निकालने के वो वीडियो में भी मैंने बहुत जन को बोला था और ये वीडियो में भी बोलता हूँ कि भाई देखो माइलेज तुम्हारी गाड़ी के टायर के प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तुम अगर सिंगल बैठे हो अपनी गाड़ी पे, सिंगल चला रहे हो तो भी डिपेंड करता है, और कोई साथ में पीछे बैठा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके वजह से भी आपकी माइलेज कम हो सकती है। तो देखो अकेले तो मैं निकलूँगा नहीं, तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी है, मेरा दोस्त भी है एक, तो देखते हैं पिलियन के साथ ये कितना माइलेज दे देती है आफ्टर ड्रिलिंग होल। तो अभी देखते हैं, धीरे धीरे चलाते रहेंगे, हाईवे टू हाईवे चलेंगे और दिखाते हैं आपको माइलेज कितना मिलता है। तो अपनी गाड़ी के 5 किलोमीटर होने वाले हैं, ये देखो 4.4 किलोमीटर हो गए, 4.5। तो अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी मैं डायरेक्ट 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे भी अपना गोप्रो चालू करूँगा, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो कि वो मैं चाहता हूँ नहीं। एंड ये देखो ये है हमारे यहाँ का सी ब्रिज बेंड्रा का। तो बस अभी यहाँ से हम लोग लेंगे यू टर्न और अभी हम लोग जाएंगे दहीसर टोल के तरफ, ताकि पूरा अपना जो वीडियो है वो हाईवे टू हाईवे कवर हो जाए। 5 किलोमीटर भी हो गए यही बेंड के ख़त्म होने पर, और मैं गाड़ी एकदम मस्त 5वें 6वें गियर पे ही चला रहा हूँ जानबूझ के। तो अपनी गाड़ी के 10 किलोमीटर हो गए, पहले 10 किलोमीटर है देखो। सो देखो भाई हो 15 किलोमीटर होने आए और हमारा अंधेरी भी आ गया, पर क्या करें हम लोग का पेट्रोल ख़त्म करने में ही आधा रोड हम लोग का चला गया था पेट्रोल ख़त्म करने में ही। पर कोई बात नहीं, अभी आगे दहीसर वाला टोल नाका बहुत लंबा है यहाँ से, तो पूरा हाईवे पूरा अपना जो वीडियो है वो पूरा हाईवे से ख़त्म हो जाएगा, पूरे हाईवे पे ही ख़त्म करना है अपने को। पर यहाँ ये साइड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती है, तो मैं कंटिन्यूसली 6वें गियर पर तो नहीं चला पाऊँगा। जो अंधेरी से बेंड्रा वाला हाईवे था उधर तो मैं आराम से 6वें गियर पे 5वें गियर पे चल रहा था। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखो भाई अपने 20 किलोमीटर होने वाले हैं, एंड ये यहाँ पे एक नई बाइक 250, यस नंबर प्लेट भी नहीं आया, एकदम ब्रांड न्यू। अरे देखो 20 किलोमीटर हो गए अपने, ये देखो इधर दिखता रहेगा। तो कैसे कैसे ट्रैफिक में भी चला चला के हम लोग ने 20 किलोमीटर तो कर लिए। और आपको 20 किलोमीटर पे एक स्टोरी बताता हूँ कि ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे पे हम लोग कभी स्लो नहीं चलते थे, पर आज के दिन देखो 6वें गियर पे 50 की स्पीड में चलना पड़ेगा भाई, एवरेज निकालना है। तो 20 किलोमीटर तो हो गए, ना गाड़ी लैग मार रही है ना गाड़ी मिस मार रही है, अभी देखते हैं और कितना चलेगी। सो देखो गाइस 30 किलोमीटर्स होने आए, 29.1 किलोमीटर तो हो गए, अभी आगे जाके मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, तो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। एंड अभी मैं लेफ्ट में ही गाड़ी चलाऊँगा क्योंकि अभी पता नहीं गाड़ी कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए भाई लेफ्ट से ही चला वही अच्छा रहेगा। ड्यूक का मेरे को यही एक चीज़ पसंद है कि आप कितने भी गियर पे रहो गाड़ी जल्दी बंद नहीं होती। ओ भाई साहब ये नज़ारा देखो। तो गाइस 30 किलोमीटर्स कंप्लीट, तो चलो
30 किलोमीटर तो इसने कंप्लीट कर लिया है, अभी आगे और देखते हैं आगे और कितना चलती है अपनी बाइक। मेरे अंदाजे से तो पहले 37 का माइलेज दे देती थी, तो अभी शायद से 35 का तो देना ही चाहिए। तो देखते हैं अभी ये 5 किलोमीटर और सर्वाइव कर पाती है या नहीं। कुछ बोल नहीं सकते, उससे ज़्यादा भी चल सकती है, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैंने माइलेज टेस्ट किया था तभी मैंने होल भी नहीं कराया था, पर गाड़ी में एकदम रफली चला रहा था तभी। और ये बार के वीडियो में तो भाई मैंने एकदम ही गाड़ी एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ चलाई है। अभी देखते हैं उसके वजह से भी अगर फ़र्क पड़े तो कितना माइलेज मिलता है। एंड भाई साहब बहुत गंदी ट्रैफिक है, मेरे को तो लग रहा है भाई आज का माइलेज टेस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर मिलने वाला है अपने को, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली छठे गियर पे चलाई है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। ट्रैफिक से ट्रैफिक में भी पांचवे गियर पे चला रहा था मैं, तो लेट्स सी कितना माइलेज निकल के आता है। तो देखो गाइस अपनी गाड़ी ने 35 किलोमीटर तो कंप्लीट कर ली है। जो NS वाला वीडियो था उसमें हमारी NS यहाँ पे ही दम तोड़ दी थी, अभी देखते हैं ये कहाँ तक चलती है। और NS वाली वीडियो पे 42 का माइलेज निकाल के दिया था, अभी इसका देखते हैं। तो भाई साहब अपनी गाड़ी 37 किलोमीटर कंप्लीट हो गई है और भी आगे चल रही है। ओ भाई भाई भाई, मतलब आज मैंने गाड़ी अपनी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलाई। 38 किलोमीटर हो गए भाई, 38। मेरे को तो लग रहा है आज ये NS का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। भाई साहब 39 किलोमीटर हो गए और 40 भी होने वाले अभी, गजब माइलेज दे रही है गजब। और हमारा घर भी अभी आने वाला है, मेरे को तो लगा था घर आते आते दम तोड़ देगी, पर ये तो भाई चले जा रही है। और ये 40 किलोमीटर कंप्लीट भाई साहब, और चले जा रही है, देखते हैं अभी कहाँ तक चलती है। जोगेश्वरी तो आ गया है, अभी हमारा अंधेरी भी थोड़ा ही दूर है, देखते हैं चलती है नहीं चलती। अब तक मिस नहीं मार रही है, अब तक सोच सकते हो अब तक मिस नहीं मारी इसने एक भी बार। और देखो माइलेज क्यों अच्छा नहीं देगी, ऐसी ट्रैफिक में भी मैं छठे गियर पे चला रहा हूँ, छठे गियर पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से आज मैंने गाड़ी ना बहुत ज़्यादा ही स्मूथ चलाई है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ चलाई है। 41 किलोमीटर लो खाली 1 किलोमीटर और फिर NS के बराबर आ जाएगी, फिर देखते हैं NS का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। भाई हो गए 42 किलोमीटर, अभी बस 1 किलोमीटर भी ये चल गई तो भाई इसने NS का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर भाई इसने NS का रिकॉर्ड तोड़ दिया, देखो 43 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, अभी तो और भी चल रही है, खाली एक ही बार मिस मारी है इसने। अरे नहीं नहीं भाई बराबर हमारे अंधेरी में ही, क्या चमत्कार है ये हमारे अंधेरी में आके ही बंद हो गई भाई ये पर भाई इसने NS का रिकॉर्ड तोड़ दिया 43 किलोमीटर, ये देख 43 किलोमीटर भाई गजब हो गया बे। अभी रुक और भी चला के देखते हैं। नहीं 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 पर भाई बीच में एक भी बार लैग नहीं मारी इसने, अभी देखो चालू हो गए। बैठ, आज तो भाई ये गाड़ी सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी ऐसा लग रहा है। हाँ पूरा घर तक लेके जाएंगे आज तो इसको। मालूम है तुम लोग में से कोई यकीन नहीं करेगा कि ये इतना माइलेज कर दे रही है। अरे तुम लोग क्या, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इतना माइलेज दे रही है, पर मैं आपको ज़रूर से सारे बॉटल दिखाऊंगा जितने भी हम लोग ने भरे थे, ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कि भाई ये फेक है। क्योंकि देखो भाई बंदा झूठ बोल सकता है, मशीन झूठ नहीं बोल सकती है, देखो हकीकत बात है, बंद हो गई। अभी देखते हैं वापिस चालू होती है नहीं, अभी नहीं लगता ये चालू होगी। ये देखो 44.9 किलोमीटर, अभी एक लास्ट बार ट्राई करेंगे भाई, चालू हुई तो ठीक है वरना खत्म बस। तो बस भाई तो ये देख लो भाई 44.9 किलोमीटर देख लो। और भाई अपने बॉटल्स दिखा सारे, ये देखो गाइस 1, 2 और ये 3 बराबर, और जो चौथा बॉटल था
वो तो हमने इसमें पेट्रोल डाला वो वाला था, और ये देखो ये तीनों बोतल वैसे के वैसे, हमने एक बूंद भी इसमें नहीं डाली है और गाड़ी ने हमको निकाल के दिया है 44 का माइलेज। कैन यू इमेजिन। तो भाई इतना तो प्रूफ हो गया कि भाई देखो गाड़ी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी आप कैसे चलाते हो। और ये पिलियन के साथ इसने 44 का माइलेज दे दिया, मतलब सोच लो कितना माइलेज दे रही है अपनी ड्यूक। और जो होल वाला है भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइलेज पे, उतना तो मैंने देख लिया। ठीक है, तो दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। इतने धूप में हमने वीडियो बनाया भाई, हाईवे टू हाईवे घूमे इतना, पर आपका सिर्फ एक सेकंड जाएगा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में। तो बस सब्सक्राइब कर देना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मस्त व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ। और एक चीज़ कि आपको जो भी वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन करो, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने आपके कमेंट्स पे ही बनाई है, तो ज़रूर से कमेंट करना, हम सब पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही एक मस्त व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।